जब हम किसी को भी प्यार करते हैं, किसी को भी प्यार करते हैं। बिग बॉस फेम पंजाबी एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज गिल ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसके लिए वो जान वारने को तैयार रहती थी वो दुनिया से ऐसे विदा ले लेगा। बिग बॉस 13 विनर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद से शहनाज सोशल मीडिया से दूर रही। कल यानी 15 अक्टूबर को उनकी फिल्म हौसला रख रिलीज होने वाली है। अब अपने काम को लेकर कमिटमेंट की वजह से एक बार फिर से वो एक्टिव हुई है। हाल ही में वो अपनी फिल्म हौसला रख के प्रमोशन में दिखी, जहां उन्होंने सिद्धार्थ के निधन के बाद पहला इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने प्यार और लगाव के बारे में बात की। शहनाज गिल, दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा की फिल्म हौसला रख शुक्रवार को रिलीज हो रही है। तीनों इन दिनों अपनी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। शहनाज अपने सबसे अच्छे दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद से लाइट और कैमरा से दूर थी, लेकिन एक्टर के निधन के एक महीने बाद वो हाल ही में अपनी फिल्म के प्रमोशन में दिखी, लेकिन इस दौरान उनके चेहरे पर उदासी साफ झलकी। बॉलीवुड बबल से बातचीत में उन्होंने कहा, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसके साथ जो अटैचमेंट होती है तो वो अटैचमेंट के हिसाब से मैंने वो रेशियो निकाला। शहनाज के मुताबिक प्यार जो है ना, मतलब माँ का जो प्यार होता है ना, जो माँ को ही पता है, और माँ वाला प्यार फील कर सकती हूँ क्योंकि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। शहनाज अपने इस फिल्म में एक बच्चे की माँ की किरदार निभाती हुई नजर आने वाली है। अपने किरदार को लेकर उन्होंने कहा कि फिल्म में उन्होंने 40% खुद को वही दिखाया है जो वो रियल लाइफ में है। सिद्धार्थ के निधन के बाद पहली बार शहनाज ने कुछ कहा है जो अब चर्चाओं में है। एंटरटेनमेंट दुनिया की हर खबर को पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल।